ये मैच अभी चल रहा है लेकिन ये बॉल यहाँ पे चली गई है। पहुंच गए भाई जहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है। अभी देखना आप लोगों को ये व्लॉग है ना, बहुत अच्छा लगने वाला है। मेक श्योर इस व्लॉग को एंड तक जरूर देखना। वो सामने वो खेलने में लगे हुए हैं बंदे हमारे। और देखो भाई पूरा ये क्लब का एरिया है इस क्लब का, और इसका ये पब बार वगैरह है, वहाँ पे भी लेके चलूंगा, सारा सारा दिखाऊंगा। और वो उधर खेलने में लगे हुए हैं और हमारे बंदे कुछ वहाँ पे हैं। जस्सू हमारा पता नहीं, अभी देखते हैं बैटिंग फील्ड में है कि फील्डिंग में, अभी पता लगेगा। एमएलए साहब आए हैं, हमारे एमएलए साहब को लेके आया हूँ मैं सीधा। और ये सांगवान स्टूडियो हम अपने व्लॉग में इनका स्वागत करते हैं। जस्सू का चौका मिस कर दिया आंधी पहली बार। जस्सू ने कितने चौके मारे? पांच चौका मार दिए। ओ तेरी, मैं तो सात आठ बॉल खेले। मायरू एमएलए साहब को नमस्ते कर। चाचू ने चौके कितने मारे? मायरू एंजॉय कर रही है मैच का पूरा पूरा मजा लेती हुई पापा के साथ अपने। इस ग्राउंड की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो पीछे का अगर व्यू दिख रहा हो तो वो सारा का सारा मतलब पहाड़ी सी है और उसपे मस्त वाले हरियाली हो रही है। तो और काफी बड़ा ग्राउंड है ये, मतलब उस तरफ लेफ्ट साइड में फुटबॉल का ग्राउंड है पूरा पूरा। अगर वो खेलते हुए दिख रहे हो तो उस तरफ फुटबॉल, वो स्कोर बोर्ड है उस तरफ और वो खेल रहे हैं भाई और बैठे हैं कुछ दर्शक। और उस तरफ इनका पवेलियन है, वो बैठे और इस तरफ खेलने में लगे हुए। और वो ये कि बारिश वारिश आती है तो भाई उससे ढकने के लिए भी पूरा पूरा ताम झाम सब कुछ है। और वहाँ पे भाई आराम से पब के बाहर बैठे हुए सारे लोग इंजॉय करने में लगे हुए, देखने में लगे हुए मैच को और मस्त पब के बाहर बैठे हुए हैं। देखा तो यही होता है कि यहाँ पे आराम से पब के बाहर बैठ जाते हैं, मैच देखते रहते हैं। व्हाट्स हिज नेम? जेफरी। हाय जेफरी, आर यू एंजॉयिंग द मैच एज वेल? सो यू लाइक क्रिकेट और यू जस्ट एंजॉयिंग द सन? Oh, you look fine. So you're just enjoying the weather. Cool, enjoy. Look here, guys. ये पब है भाई, बढ़िया सा क्लब का ही इनका पब है पूरा पूरा। हेलो। हेलो। ये सारी ट्रॉफीज वगैरह रखी हुई इस क्लब ने जीती होंगी जो। नाइस। ये फुटबॉल भी है इनका इस क्लब का और क्रिकेट भी है। कैसा कैसा लगा तेरे को इतने सारे रन बना के चौके में चौके मार के? सही था, मजा आया। जस्सू हमारा मेन प्लेयर है भाई, मेन ओपनर बॉलर है भाई। अच्छा लगता है यहाँ पे, एक ये चीज बहुत अच्छी चीज है। अगर जो छोटे छोटे ग्राउंड भी है ना क्रिकेट के, वो बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करें। और छोटे छोटे ऐसे क्लब है जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया अंदर भाई, बार वगैरह है सब कुछ कि भाई अपना खेल वेल के उसके बाद इंजॉय करना हो, साथ बैठना हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। और इस तरह वो फुटबॉल की प्रैक्टिस भी चल रही है, ठीक है, उनके लिए भी है। तो ये फुटबॉल का और क्रिकेट का दोनों के लिए क्लब है छोटा सा, और छोटी सी विलेज है ये, ज़्यादा बड़ी जगह ना है, लेकिन मस्त वाला क्लब बना रखा है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो टीम बैठी है जिसकी तरफ से जस्सू खेल रहा था, वहाँ पे मैं मिलवा के लाता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ। ये द सीनियर प्लेयर है जजिंग एवरीवन। एक्स प्लेयर। यू सो यू आर नॉट प्लेइंग एनीमोर और यू आर अ कोच नाउ? ये पूरी टीम है भाई। ओके, सो I'm going to see if I can manage a game or whether it's going to play me up again. Okay. I won't know. So how long are you playing with this club? Or it's club? Yeah. It's, I think you are the founder member. 35 years. I'm 70. You are 70 and you're playing on this. I'm 70 next month. Oh, that's really. भाई 70 साल के देखो, और भाई ये 35 साल से इस क्लब के साथ खेल जुड़े हुए हैं। और ये भाई पूरी पूरी टीम है कि how many are down? We're 4 down. What do you think? Typical English weather this, isn't it? Hey, beautiful. Yeah. You're good weather come to England. Yeah. I still remember the first time I came when we did a barbecue over there. Yeah. That was there was a charity match. Yes. Yeah, we played. So what really motivates to play cricket for like 35 years and you are 70 years old and still you're playing? What really? What motivates me? Yeah. Nice people. Quiet and nice time outside. And usually we haven't got noisy footballers. This is the first time I've ever played with a football match. Okay, they are playing football over there. Yeah. Yes. और ये इस तरह भाई ये फुटबॉल खेलने में लगे हुए हैं। Good stuff, lads. Keep it going.
it's a hot weather, but it's a wind is there, so it's really good. Yeah, oh, it's lovely, yes. Four. Yeah! ये मस्त बाहर से स्कोरबोर्ड है इस तरफ से और ये पूरा स्टोर रूम सा है, बॉल वगैरह सब कुछ रखी हुई है, सारी चीजें ग्राउंड को संभालने का सारा सामान वामान। और इस तरफ ये ऑडियंस उस तरफ भी बैठी है भाई, और इस तरफ भी क्रिकेट देख रही है कुछ ऑडियंस बैठी। क्यों सबसे अच्छी बात बताया गया भाई, कितनी भी हवा चल रही हो, क्या कह रहे थे संजय तू, कितनी भी हवा चल रही हो मिट्टी नहीं होती बिल्कुल भी, मतलब मिट्टी बिल्कुल भी नहीं उड़ रही होती, आपको फील ही नहीं होता कि मिट्टी उड़ रही है कि नहीं। भाई आंधी तूफान कुछ भी हो, हाँ, अपना बंदा ना मतलब आराम से जाओ, किसी ठंडी ठंडी चलती है। हाँ, और मतलब यहाँ पे अगर आप बाहर घूम घाम के जब घर में वापस जाते हो तो ऐसा फील नहीं होता कि धूल मिट्टी चेहरे पे मतलब भरी पड़ी है। मैंने पूरे व्हाइट कपड़े पहन रखे हैं ना, मैं यहाँ 3-4 दिन बिना धोए इनको आराम से पहन सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखा अच्छी चीज है भाई, 2-3 घंटे के अंदर ना व्हाइट कपड़े ना ऐसे लगते हैं, भाई गलती करी आज पहन के। लेकिन वही है ना, फिर यहाँ पे छोटी कंट्री है तो हमारे वाले जो दर्शक हैं, जो हमारे वाले बंदे हैं, वो आराम से बैठ के खा पी रहे हैं और अपने देख रहे हैं। और ये बंदा हमारा फ्रूट्स खा के एंजॉय कर रहा है पूरा पूरा, और ये हमारा प्लेयर देखो चौके छक्के मार के आ गया, अभी आराम से बैठ के खा रहा है। अच्छा, उनको रिटायर्ड होने के बावजूद अब उनको आना पड़ा क्योंकि तुम आउट हो गए, 5 विकेट गिरा दी तुमने। जस्सू सोच रहा है, जस्सू सोच रहा है क्या बोल प्लेयर को हमारे पास है तीन बैठे बॉलर भी होते हैं, परफेक्ट वो टीम कॉम्बिनेशन न्यू थोड़ी है सारा। कितने बॉलर ले रहे हो तुम, 10-15? आई मीन 10-15 न्यू गए, 10-15 बॉलर ले रहे हो। 5 बॉलर में है, बैट्समैन में है, ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर है, ओपनर बॉलर है, और ओपनर तो क्रिस से बात करके आए तू। हां पांड्या है, पांड्या क्रिस ने तो बात तो नहीं मारा। ये चौका चौका जानते भाई, जानते जस्सू की टीम मारी। शेकू तू क्या करता अगर तू होता जस्सू की जगह खेल रहा होता तो चौके छक्के मारता जैसे जस्सू धड़ाधड़ पेल रहा। एकदम टीम को एनर्जी देती, आते ही 3-4 चौके लगा दिए पहले। अच्छा जस्सू ने ठीक किया, जस्सू देखो तू प्लेयर लग रहा है यार, यो तो न्यू है, देखिए कोती मारता हूँ। जॉन्टी रोड्स पर का जॉन्टी रोड्स नहीं, कोई अच्छा सा प्लेयर का नाम बताओ ना मैंने भाई। इसको तो बंदे को सही टाइम पे आईपीएल शुरू नहीं हुआ, नहीं तो हमारा बंदा कितना है इंडियन टीम में हुआ है आज। तो सही टाइम पे शुरू हुआ था मतलब तो पढ़ाई में बिजी था यो, यो पहले पढ़ाई में ज्यादा बिजी रहा, हर चीज में बहुत ज्यादा तेज है। हाँ अच्छा, पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड है इस चक्कर में कोई से सारे टैलेंट उग चुके। संजय तेरे को कुछ कहना है, ये इतनी अच्छी सी बातें बोल रहे हैं जस्सू के लिए, एक लाइन तू भी बोल दे कि मैं संजय का बर्थडे आज 19 साल का हुआ है तो बियर ले आओ भाई, चलो फिर पार्टी करेंगे। नहीं संजय ने पीता, ये हमारे मेन प्लेयर चीफ प्लेयर ऑफ द टीम मिस्टर रमन भाई। हेलो भाई कैसे हो, बढ़िया। सांगवान स्टूडियोज का स्वागत है, सांगवान स्टूडियो का स्वागत है इस ग्राउंड में। नहीं भाई मैं कैप्टन है हमारे टीम के। कैसे हो भाई साहब? बहुत बढ़िया। एक बॉल करा दिखा, तेरी बॉलिंग ट्रायल हो रहा है भाई क्रिकेट में इसका, इसको नेक्स्ट सीजन में खेलने के लिए बॉलिंग करा के दिखा रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, बढ़िया स्टार्ट है। ओ, फिर से और कराएगा? ओ, 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 ओ। अच्छा करा जस्सू इसकी ट्रायल हो रही है। बॉलर अच्छा है, नहीं सच में बहुत अच्छा बॉलर है, लेफ्ट आर्म है एक तो इसकी, अच्छी बात है। प्रैक्टिस कर। हाँ तो कैसा लगा तेरे को ट्रायल देके? बढ़िया लगा, तेरा सिलेक्शन हो गया है, खेलने का मन करने लग गया बस, अब तेरा अगले मैचेस में सिलेक्शन हो गया है जरा। और यहाँ पे हमारे क्रिस जी रेडी होते हुए, बेस्ट ऑफ लक मैन, या यू विल विन द मैच। तो भाई स्कोर है यहाँ पे 201 runs, ठीक है, इनको 45 ओवर में बनाने हैं, 43 ओवर में इन्होंने बनाए 201, तो अभी दूसरी टीम का मैचिंग शुरू हो रही है, इनको बनाने 45 ओवर में 202। आई होप भाई आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, जैसे कि सांगवान स्टूडियो का यही मोटिव होता है मेरा कि भाई मैं आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें दिखाऊं यूके के बारे में। तो आज ये ग्राउंड दिखाने का जो मेरा पर्पस था वो यही था कि भाई अगर जो भी इंटरेस्टेड है, जो यूके आ रहा है या जो देखना चाहता है, जिसको क्रिकेट पसंद है,
तो और यूके में क्या है कि ग्राउंड्स वगैरह जो होते हैं जैसे क्रिकेट के हो गया फुटबॉल के उनको बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया जाता है। अगर देखा जाए तो पब वगैरह जो है उनको भी काफी अच्छी तरह मेंटेन किया जाता है। देखो वो पीछे रोहित है पूरा मजे करने लगा हुआ है, मतलब काफी अच्छा मजा आता है। आप अपने आराम से, छुट्टी का दिन है, आराम से बैठे रहो, धूप निकली हुई है तो देखते रहो मैच को, इंजॉय करते रहो। मैच अभी चल रहा है लेकिन ये बॉल यहाँ पे चली गई है। तो ऐसा नहीं है कि यूके में बॉल नहीं खोती, जो अपने इंडिया में झाड़ी झुड़ियों में खो जाती थी वैसे इस ग्राउंड के साइड में है, यहाँ पे चली गई है। ये आया है स्पेशल, मिल गई क्या? मिल गई भाई, मिल गई, ये बॉल मिल गई फाइनली गाइस। अब इसी के इसी वो आपका नया प्लेयर जिसको नया एंट्री देखा, इसकी इसके बेस पे जरा सिलेक्शन हो गया अब नेक्स्ट गेम में। ये बंदा ऐसे बढ़ गया जो कर एक्सपर्ट है, दो लिया है के, एक फुटबॉल भी काट लिया। ये तो बहुत तेज भाई, हमारा एक फुटबॉल भी ढूंढ लाया अंदर से। ये तो भाई सेको तूने बहुत बढ़िया काम करा फुटबॉल को अच्छी तरह किक मारने का। अगर मैं रोनाल्डो की तरह दिखता हूँ तो मैं रोनाल्डो की तरह किक मारता हूँ, देख बेटा। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। लो बेटा अब देखो भाई मेरी किक, बटो बेटा इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर हाँ देखो जब भी कैमरे में दिखा रहा हूँ तो एक भी नहीं लग रही वैसे, इतनी बढ़िया लग रही है। एक बार तो देते, एक भी नहीं आ रही मेरी। भाई लाइक कर देना पक्का, ये कह रही है उंगली दिखा के, कमेंट कर देना और अगले और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। देखा ये छोटी सी बच्ची अगर उंगली दिखा दे ये कह रही है तो कर देना भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।